वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 31, जो कि है 14th ऑफ सितंबर की वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम देखने वाले हैं मैथ्स का जो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने रिकॉल करने के लिए ही बोला है कि कौन कौन से इसके फॉर्मूलेज हैं, थोड़ा इसको रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने एक तरीका सीखा था, अगर आपको याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करी थी। और यहां पर आ जाएगा साइन कॉस टेन, यहां पर आ जाएगा कॉस सेक कॉट। तो साइन हो गया पी अपॉन एच, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कॉस हो गया बी अपॉन एच, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी अपॉन एच। और टेन हो गया पी अपॉन बी, तो यहाँ पे पी अपॉन बी। कॉस सेक इसका उल्टा होता है, इस तरीके से रिवर्स जाते हैं, एच अपॉन पी। और sec होता है h अपॉन b, और cot हो गया b अपॉन p। तो ये तो हमने पिछला वाला रिवाइज कर लिया सारा का सारा। बताइएगा कि ये फॉर्मूला याद करने का तरीका कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में। अगर आप इसको रिलेशनशिप देखें ध्यान से, जो साइन और कॉस जो है वो रिवर्स है, तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन जो होता है वन अपॉन कॉसेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या था, पी अपॉन एच था, यहाँ पे था एच अपॉन पी। तो ये क्या है इसका, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो इसी तरीके से कॉस और सेक होता है रेसिप्रोकल, और टेन और कॉट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप्स हैं, जो कि आपके कुछ क्वेश्चंस में आपको काम भी आएंगे। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे उन्होंने एक टेबल दे रखा है, वो देख लेते हैं उस टेबल के अंदर क्या सॉल्व करने के लिए बोला है। तो इस टेबल के अंदर उसने बोला है कि इस फिगर की मदद से आपको क्या करना है, ये वाला टेबल पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। तो आपको फॉर्मूला सारे के सारे याद होने चाहिए। साइन क्या था, पी अपॉन एच। देखो यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा के जो सामने वाला जो होता है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये जो सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, ये जो तीसरा बच जाता है वो बेस होता है। तो हमें पी बी एच सब कुछ मिल गया, फॉर्मूले भी हमें पता है। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। मैं इसको इस तरीके से याद रखता हूँ, पाप है, सिन का मतलब होता है ना, सिन होता है पाप, पाप है, पाप क्या है थ्री, और एच क्या है फोर। सो मेरा आंसर हो गया यहाँ पर थ्री अपॉन फाइव, यहाँ पर आ जाएगा फाइव, ठीक है। और कॉसेक मुझे पता है इसका उल्टा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव अपॉन थ्री। तो यहीं पर आपको ये लिखना है, साइन का क्या है थ्री अपॉन फाइव, तो ये हमने लिख दिया। कॉसेक हमें पता ही है कि फाइव अपॉन थ्री। तो इस तरीके से आपको ये टेबल बनना है। कॉस क्या है, कॉस को याद है आपको, बॉल से हम खेलते हैं, कॉस्को की एक बॉल होती है, तो मैं इसको याद रखता हूँ, बॉल है, बॉल है, इस तरीके से मैं इसको याद रखता हूं। तो बी क्या है इसका, बी है फोर, और एच क्या है फाइव, तो फोर अपॉन फाइव हो जाता है। तो यहां पर आ जाएगा फाइव अपॉन फोर, यहां पर भी आप फिल कर लीजिएगा, कॉस का ही लिखना है, यहाँ पे सेक का ही लिखना है। टेन टेंशन से जो मुझे याद आता है वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद करने के लिए होता है, बीपी बढ़ जाता है, बीपी, ठीक है ना, बीपी बढ़ रहा है। तो पी अपॉन बी हो गया, पी क्या है थ्री, और बी क्या है फोर, तो यहाँ पे थ्री अपॉन फोर आया, और कॉट क्या हो गया इसका उल्टा, फोर अपॉन थ्री। तो इस तरीके से आप बढ़ लेंगे। ये वाले जो दो फॉर्मूले है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन का जो फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस होता है, और कॉस का जो फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। इसके बेसिस पे अभी एक आध हम क्वेश्चन देखेंगे, आइए चलते हैं उनको भी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, जो आप खुद एक बार रीड करिएगा हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसके बाद।
पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कुछ टेबल दे रखा है। कॉसेक क्या है? साइन का उल्टा, तो ये हो गया वन का हो गया थ्री, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं टेन, टेन होता है कॉट का उल्टा, तो यहाँ पे दे रखा है कॉट, नहीं दूसरा फॉर्मूला दे रखा है साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पर टेन का आ जाएगा साइन अपॉन कॉस। वन अपॉन सेक, वन अपॉन सेक हो गया किसका? कॉस का, तो हम यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड से मिल जाएगा, और कॉट फिर पहले हो जाएगा वन अपॉन, ये सेक से मिलेगा ये वन अपॉन कॉस। लास्ट है हमारा कॉट, कॉट हो गया वन अपॉन टेन, तो ये हमारा आंसर हो गया सबका। आइए चलते हैं इसके बेसिस पे, ये तो फॉर्मूले की रिवीजन हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अब इनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इन अ राइट ट्राइंगल, तो एक राइट ट्राइंगल हम बना लेते हैं, तो ये आपका बन गया एक राइट ट्राइंगल, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 5/13, तो यहाँ पे 90 डिग्री ले लो, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, तो साइन क्या होता है? P/H, P/H, तो P क्या हो गया? 5, तो इसके सामने वाला जो होता है ये 5 हो गया, और H क्या हो गया? ये हो गया 13। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हम लगा देते हैं 13 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 13 स्क्वायर हो गया 169 और इक्वल्स टू 25 प्लस बी स्क्वायर, तो 25 उधर जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस 169 माइनस 25 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। 169 माइनस 25 कितना हुआ? 144 हुआ, और बी स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा रूट, अंडर रूट हो गया बी, तो हमारे जो बी की वैल्यू आ गई वो 12 आ गई। जो हमारे बी की वैल्यू आ गई वो आ गई 12, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल में आ गए तीनों की तीनों वैल्यूज, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह बन जाए सारे के सारे। और हमें क्या निकालना है इसके अंदर? हमें निकालने हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो साइन हमारे पास पहले से ही है, तो हमें निकालना होगा, सबसे पहले निकालना है कॉस, कॉस थीटा वो होता है बी अपॉन एच, तो यहाँ पे बी क्या है? 12, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बी है, ये पी है और ये एच है, ठीक है। कॉस क्या हो गया? बी अपॉन एच, तो 12/13। उसके बाद आता है टेन, टेन थीटा, टेन थीटा हो गया आपका पी अपॉन बी, पी क्या है? 5 और बी क्या है? 12। उसके बाद आता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया साइन का उल्टा, मतलब हो गया 13/5। उसके बाद आता है सेक थीटा, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, मतलब 13/12। उसके बाद आ गया कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, मतलब 12/5। अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसने बोला है फाइंड कॉट थीटा जब टेन थीटा दे रखा है 12/15/8, तो कॉट क्या होता है? इसका उल्टा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/15, 8/15। और सेकंड ने बोला है कॉसेक थीटा ढूंढो जब बोला है कि साइन थीटा है 2√3/2, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 2/√3, जस्ट इसका उल्टा। नेक्स्ट उन्होंने बोल दिया सेक ढूंढो जब कॉस हो रखा है 1/√2, तो इसके अंदर जब 1/√2 होगा तो √2/1, जिसको हम लिख सकते हैं सिर्फ √2 भी लिख सकते हैं,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री में उन्होंने साइन दे रखा है 3/5, कॉस दे रखा है 4/5, टेन मांगा है। तो टेन का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो है साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, टेन थीटा जो है वो है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो इसका मतलब होता है साइन थीटा क्या है, 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5। तो डिवाइड के केस में राइट वाला जो रहता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4, 5/5 कट गया तो आंसर आया 3/4। तो हमारा टेन का जो आंसर हो गया 3/4, और कॉट जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो आंसर हो गया 5/3। तो ये आपके यहाँ पर वर्कशीट पूरी पूरी खत्म हो जाती है। तो अगर कोई आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और आगे फॉरवर्ड करें वो इस वर्कशीट को। और भी हमारी जो वर्कशीट्स हैं इसमें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड, जरूर उनको देखें ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।